वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आज जो है सहरी कर रही हूँ, ये मेरा थर्ड रोज़ा है। और मैंने ना आज खिचड़ी बना ली थी, तो जिसके वीडियो मैंने नहीं बनाया, तो मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो मूंग दाल की खिचड़ी था, ये फ्रूट्स केक्स है, और मैं अभी सहरी करती हूँ। तो अभी 6:30 बज गया, मैंने सब कुछ कर लिया था, नमाज़ भी पढ़ ली, और इतने सारे बर्तन हैं तो चलिए इन सारे बर्तन को धो देते हैं। मैंने नमाज़ भी पढ़ लिया है, और अभी देखिए 7:30 हो गया, मेरा सब कुछ काम हो गया। और बाहर का मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा है, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए कितना बारिश हो रहा है। सुबह 7:30 बजे का ये व्यू है, और ये मेरा घर का बाहर का व्यू है बैल्कनी के साइड में। और आज मौसम इतना मतलब ख़राब है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि गर्मी इतना नहीं होगा। बारिश हो गया तो थोड़ा सा ना मौसम जो है ठंडा रहेगा। तो अभी मैं जाके सो जाऊंगी, और दोपहर को फिर मैं व्लॉग को आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूंगी कि आज के अपहरे में क्या बनेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर हो चुका है, और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं दही प्याज, और मैंने रखा है चिकन को मैरिनेट करके मैंने रखा है तो आज का, और यहाँ पर दही रखा है। तो मैंने आज की रेसिपी में क्या बना रही हूँ वो आप लोगों को बताऊँगी। और यहाँ पर मैंने चावल को रख दिया है इंडक्शन में। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन कौरमा, ठीक है। तो यहाँ पर है जो प्याज, जो है प्याज को मैंने पीस लिया है, प्याज के साथ दही और हरा मिर्चा। तो अभी चलिए रेसिपी को करते हैं स्टार्ट, और आप लोगों को दिखाते हैं बिल्कुल इजी और सिंपल रेसिपी। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट में काजू है तो आप काजू को भी दही और प्याज के साथ हरा मिर्चा के साथ पेस्ट करेंगे तो और इसका जो जायका है टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा। तो अभी मैं तेल को कर रही हूँ गरम, और मैंने जो मैरिनेट वाला चिकन रखा था उसको मैंने हल्का ब्राउन कर लूँगी, मतलब थोड़ा सा फ्राई करूँगी। उसके बाद जो है वो आप लोग देखते रहिए वीडियो के एंड तक, और प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को थोड़ा सा एंड तक देखिए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, और मैं अकेली रहती हूँ, अकेली वीडियो को बनाती हूँ, इनको एडिटिंग करती हूँ, फिर इसको पोस्ट करती हूँ, घर का काम करती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं ताकि इंसान डीमोटिवेट ना हो जाए। तो मैंने यहाँ पर जो मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट को मैंने इसी में ऐड कर दिया चिकन को ब्राउन करने के साथ साथ। तो इसके साथ मुझे क्या करना है, इसमें जो नमक है टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नमक ऐड करना है। उसके साथ आपको करना है रेड कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद धनिया ऐड करना है, और उसके बाद आपको इसको अच्छे से जो है इसका मसाला को फ्राई कर लेना है। इसमें हम हल्दी ऐड नहीं करेंगे। तो अभी देखिए मैंने हल्दी को ऐड नहीं किया, इसका भुनाई अच्छे से करना पड़ेगा ताकि चिकन जो है वो बिल्कुल जो है मसाला के साथ ऐड हो जाए। देन आफ्टर हमें ऐड करना है जो मैंने दही प्याज और पेस्ट को बना के रखा है अदरक लहसुन का। तो अभी मैंने इस पेस्ट को भी ऐड कर दिया है। इसमें अगर आप काजू डालेंगे तो इसका जायका और अच्छा होता है। मेरे पास है पर मैंने नहीं डाला क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता काजू के बगैर, मुझे कोरमा का जायका ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए अभी लुक आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और ये बहुत ही डिलीशियस और इजी रेसिपी है। हमारे मुस्लिम घर में 90% रमज़ान में हो या वैसे भी हो चिकन कोरमा तो बनेगा, या अगर बिरयानी भी बनती है, या तो आप वाइट राइस के साथ आपने चपाती के साथ खा सकते हैं, और तंदूर रोटी के साथ। तो देखिए ये बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका ग्रेवी भी आप लोग माशाल्लाह देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से बना है। तो चिकन कोरमा ख़त्म होने के बाद मैं फिर वही पापड़ को फ्राई करूँगी। तो अभी मैं जो है फटाफट से पापड़ को फ्राई करूँगी, क्योंकि अभी जो हमारे अफ्तारी है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेके हो रहा है। और ये दूसरे वाले पापड़ है, इसको पंजाबी तड़का पापड़ कहते हैं, जो मैंने मॉल से लाई थी। तो मैंने सोचा कि आज कुछ अलग वाला पापड़ फ्राई करते हैं। देन आफ्टर इसके बाद आप लोग देखिएगा वो पापड़ भी मैं ऐड करूँगी, उसे भी फ्राई करूँगी। तो अल्लाह पाक हमारे हर गुनाहों को माफ़ करे, यही दुआ है, और हमें दीन की तौफीक दे, हम नेक आमाल कर सके, लोगों की मदद कर सके, और इस दुनिया में बहुत सब कुछ काम कर सके जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए, आमीन।
और ये जो है ये वाइट चिप्स है, ये भी बहुत अच्छा है। तो इसका ना फिर एक ही पैकेट पड़ा हुआ था, तो मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो को जो देखती हैं उनके लिए बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है और मैं इतना अच्छा वीडियो नहीं बनाती हूँ शायद, क्योंकि मैं अपने आप को भी वीडियो के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ट्राईपॉड से हर कुछ नहीं होता है, आप लोग भी समझ सकते हैं। ऊपर से मेरे अंदर घर के रूम के अंदर ही एक किचन का सेटअप है, मैं कैसे इसको कंप्रोमाइज़ करती हूँ ये मैं जानती हूँ। तो इसीलिए आप लोग मुझे जो सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया। क्योंकि काफ़ी कंट्री मुझे देखते हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, इराक हो गया, ये सब कंट्री उर्दू लैंग्वेज जानती या नहीं आई डोंट नो, पर ये लोग मुझे देख रहे हैं, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। तो मेरा यहाँ पर इफ्तारी जो है तैयार हो गया है, गोलगप्पे भी बना था और फ्रूट से ये रह गया, और यहाँ पर मेरा चिकन कोरमा भी बन गया है, और मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है और यहाँ पर मैंने रख दिया है। अभी रोज़े इफ्तारी होने में टाइम है, अभी बज रहे 6, तो अभी मैं नमाज़ पढ़ लूँगी, उसके बाद मैं आज इफ्तारी से पहले व्लॉग को करूँगी एंड, क्योंकि आज मैं व्लॉग को जो है ना पहले ही एंड कर दूँ। यहाँ पर मैं अपने बर्ड्स को मेडिसिन देके उनको पानी प्रोवाइड कर देती हूँ, जो कि मैंने दिया नहीं था। तो ये मेरा पुचकी है और ये मारिया है, तो इनको जो है ना कंटेनर रखने से पानी गिरा देते हैं, तो मैं इनको ऐसे ही पिला देती हूँ। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आप लोग मेरे वीडियो को जो देखते हैं उसके लिए फिर से शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।